दोस्तों, अगर आप भी शार्दुल ठाकुर को एक शानदार ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, केप टाउन के मैदान पर साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को एक करारी मात देते हुए 3 टेस्ट मैचों की सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है। और वहीं साउथ अफ्रीका में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने के इरादे से आई भारतीय टीम को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। आपको बता दें कि इस मुकाबले के चौथे दिन साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज कीगन पीटरसन ने लाजवाब बल्लेबाजी की है, जिन्होंने 113 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 82 रन बनाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं आज के दिन के हर पूरे हाल के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर में से शानदार खिलाड़ी कौन है? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, केप टाउन के मैदान पर एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें कि पहले दिन जब भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता तब उन्होंने एक बार फिर से बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, और उनके इस फैसले को सही साबित करते हुए भारत को अपने बल्लेबाजों ने पहले आधे घंटे खतरनाक दिख रहे साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों का जबरदस्त तरीके से सामना किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 223 रन बनाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका भी पहले ही दिन 17 रनों के स्कोर पर अपने कप्तान को गवा चुकी थी। लेकिन इससे पहले पहले दिन के खेल में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 201 गेंदों में शानदार 79 रन बनाए और जबरदस्त अनुशासन का परिचय दिया। उन्होंने अपनी इस पारी में 12 चौकों के साथ साथ एक बेहतरीन छक्का भी लगाया, जिसके बाद दूसरे दिन के खेल में भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से भारतीय टीम की जबरदस्त वापसी कराते हुए पूरी साउथ अफ्रीकी टीम को महज 210 रनों पर ही समेट दिया, जिसमें भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने करियर में 7वीं बार 5 विकेट लेते हुए पूरे साउथ अफ्रीका खेमे में खलबली मचा दी थी। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शमी और इस मुकाबले में वापसी कर रहे उमेश यादव ने भी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 2-2 सफलताएं अपने नाम की। वहीं दिन का खेल खत्म होने के एक घंटे पहले जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तब साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने भारतीय टीम को 57 रनों पर 2 झटके दिए, और इसके बाद तीसरे दिन के खेल खत्म होने तक यह सीरीज एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक एक तरफ जहां भारतीय टीम को जीत के लिए 8 विकेट चाहिए थे, तो वहीं साउथ अफ्रीका को 111 रनों की और दरकार थी, जिसमें भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए महज 139 गेंदों में ताबड़तोड़ 100 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 6 बेहतरीन चौकों के साथ साथ 4 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। दोस्तों, चौथे दिन की सुबह से ही हमें मैदान पर गेंद और बल्ले की जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां भारतीय तेज गेंदबाज खतरनाक लय में नजर आ रहे हैं, तो वहीं साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज भी उनका डटकर सामना कर रहे हैं और बीच बीच में बेहतरीन शॉट खेलकर भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें भी बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज के दिन जब पारी का पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने जब रसीवर हुसैन को अपनी पहली गेंद डाली तो वो खतरनाक गेंद तरीके से स्विंग करके ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई। इसके बाद इस पूरे ओवर में उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए उनको शुरू से ही बैकफुट पर रखा। वहीं इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने अपनी खतरनाक लय का उदाहरण पेश करते हुए अपने इस ओवर में जबरदस्त स्विंग गेंदबाजी की, और साउथ अफ्रीका के दोनों ही बल्लेबाज कीगन पीटरसन और रसीवर हुसैन काफी ज्यादा लकी रहे। गेंद उनके बल्ले से बेहद करीब से ऋषभ पंत के हाथों में चली गई और ऐसी 3-4 गेंदें लगातार ऋषभ पंत के हाथों में गई, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज किस्मत के सहारे अभी भी क्रीज पर सुरक्षित हैं। और वहीं भारत के दोनों ही सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मैदान पर पूरी जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसके बाद साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज कीगन पीटरसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इसी सीरीज में अपने करियर का तीसरा अर्धशतक पूरा किया और भारतीय टीम की जीत में एक चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ रसीवर हुसैन भी उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। आपको बता दें कि कीगन पीटरसन 80 गेंदों में ही 53 रनों की एक शानदार पारी खेल रहे हैं, जिसमें उन्होंने 7 बेहतरीन चौके भी लगाए हैं। वहीं उनका साथ देते हुए रसीवर हुसैन भी 20 गेंदों में 11 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। और वहीं इस मुकाबले के 37वें ओवर में मोहम्मद शमी एक ऐसे शानदार स्विंग गेंद पर एक बार फिर से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रसीवर हुसैन लकी साबित हुए और गेंद लगभग उनके बल्ले से करीब से विकेट कीपर के दस्तानों में गई, लेकिन वो अभी भी क्रीज पर सुरक्षित है। लेकिन पारी के 40वें ओवर में जब से शुरू धूम रहने की गन पीटरसन ने बल्ले का किनारा लगाया तब स्लिप में खड़े चेतेश्वर पुजारा ने उनका एक आसान सा कैच छोड़कर भारतीय टीम की उम्मीदों को एक जबरदस्त झटका दिया, जिसके बाद कहीं से पूरा मैच पलट गया और कीगन पीटरसन ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 113 गेंदों में शानदार 82 रन बनाए। और उनके जाने के बाद रही सही कसर साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज रसीवर हुसैन और अनुभवी बल्लेबाज तेम्बा बबुमा ने पूरी कर दी, और इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 7 विकेट से करारी मात दी। दोस्तों, चौथे दिन के मुश्किल मैदान पर ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज इस मुकाबले में वापसी कर पाएंगे, लेकिन अफ्रीकी बल्लेबाजों ने जोहानिसबर्ग का मुकाबला याद दिलाते हुए चौथे दिन शानदार बल्लेबाजी की और भारत टीम की सीरीज जीतने के सपने को एक बार फिर से तोड़ते हुए सीरीज पर अपना कब्जा जमाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में भारतीय टीम जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।